गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी कि माई बाइक की एप्लीकेशन में अगर हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो उसको विड्रॉ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे माई बाइक की एप्लीकेशन में सबसे पहले चले जाइए वॉलेट के अंदर, एंड वॉलेट में आपको यहाँ पे जितने पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं वो सारे पैसे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे विड्रॉ बटन पे क्लिक कर देना है, एंड विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, विड्रॉ करने हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल देता हूँ जहाँ पे मुझे ये पैसे विड्रॉ करने हैं, राइट। एंड देन आफ्टर IFSC कोड, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर दीजिए, जो रिलेवेंट रीज़न है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। एंड रीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे विड्रो मनी पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे एक डायलॉग आएगा जहाँ पे आपने जो डिटेल ऐड करी है वो कंफर्म करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए, और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे आपको एक OTP सेंड होगा, तो आपको यहाँ पे OTP ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। OTP ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ़ंड स्टेटस का पेज दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी आपका रिफ़ंड का स्टेटस है वहाँ पे आपको पेंडिंग दिखेगा। एंड ये अप्रोक्स 3 से 7 दिन का टाइम लेगा आपके अकाउंट में पैसे वापस विड्रॉ करने में, राइट। तो गाइज़ आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।